अयोध्या फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। काबुल में आतंकी हमला, भारतीय अमरीकी नागरिक अनिल राज की मौत। टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा सकती है शिखर धवन की चोट, संजू सैमसन को मिलेगा मौका। बधाई देने वाले ने लिखा, गीदड़ों को खबर कर दो, शेर वापस लौट कर आया है। संजय राउत ने किया रीट्वीट। मर्दानी 2 में बाल अपराध को लेकर छात्रों में मिलेंगी रानी मुखर्जी, कहा जागरूकता होना है जरूरी। अयोध्या फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम दिसंबर के पहले हफ्ते में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। फैसला आने के बाद ही जफरयाब जिलानी ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। हम इस फैसले को आखिरी फैसला नहीं मानते हैं। जफरयाब जिलानी ने कहा था कि मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह लेने का प्रस्ताव शरीयत के खिलाफ है। इस्लामी शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। वक्फ एक्ट भी यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट मस्जिद की जमीन को बदल नहीं सकता। अनुच्छेद 142 के मुताबिक वो किसी संस्थान के खिलाफ नहीं जा सकता। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए आतंकी हमले में भारतीय अमरीकी नागरिक अनिल राज की मौत हो गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि मैं भारी दिल से पुष्टि करना चाहता हूं कि 24 नवंबर को काबुल में संयुक्त राष्ट्र के एक वाहन पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में भारतीय अमरीकी नागरिक अनिल राज की मौत हो गई। स्टाफ सहित 5 अन्य नागरिक घायल हुए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो सकते हैं। उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान चोट लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज 6 दिसंबर से खेली जाएगी। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया स्क्वाड में केरल के संजू सैमसन को नहीं चुना गया था। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने चयनकर्ताओं के इस कदम पर सवाल उठाया था, जिसका समर्थन हरभजन सिंह ने भी किया था। वहीं चीफ सेलेक्टर MSK प्रसाद सोमवार को सूरत में थे। इस दौरान उन्होंने धवन की चोट पर NCA के फिजियो आशीष कौशिक से चर्चा की। माना जा रहा है कि धवन वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज से पहले फिट नहीं हो पाएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना का CM बनाने की कसम पूरी करने के बाद संजय राउत ने अपने विजय अभियान को सूर्यान का नाम दिया और कहा कि ये सूर्यान दिल्ली भी जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट रीट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि गीदड़ों को जरा खबर कर दो, शेर वापस लौट कर आया है। बेबाक पत्रकार ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, दायरों में सिमट के आया है, हर सियासत से हट के आया है, गीदड़ों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। संजय राउत भाई बधाई हो, इस ट्वीट को संजय राउत ने रीट्वीट किया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आज सुबह कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे CM बनेंगे। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि हमारा सूर्यान मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। तब लोग मुझ पर हंस रहे थे। शुरुआत में लैंडिंग में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारा सूर्यान सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। आने वाले समय में दिल्ली में भी उतरे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी अपनी आगामी फिल्म मर्दानी 2 के प्रचार के लिए एक हिस्से के रूप में देश के कई कॉलेजों का दौरा करेंगी। विद्यार्थियों संग देश में बाल अपराध की संख्या को लेकर बात करेंगी। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 में शोषण और बलात्कार के घिनौने क्राइम से जुड़ी एक सीरियल रेपिस्ट की कहानी दिखाई गई है। ये फिल्म राजस्थान के कोटा की पृष्ठभूमि पर फिल्माई गई है। बीते दिनों इसे लेकर विवाद भी खड़ा हो गया था, हालांकि बाद में फिल्म की टीम की ओर से इस पर सफाई सामने आई थी।
वहीं रानी मुखर्जी ने कहा, मैं अपने अभियान के माध्यम से जितना संभव हो सके अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संग जुड़ने का प्रयास करूंगी और भारत में कम उम्र की लड़कियों या महिलाओं के खिलाफ किशोरों द्वारा की जाने वाली इस हिंसात्मक अपराध की तीव्र वृद्धि के बारे में जागरूकता लाना चाहूंगी।